नमस्कार दृष्टि आई के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अक्विटेड बट नॉट फॉरगॉटन और हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख द फाइन लाइन डेट से जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं भूल जाने के अधिकार पर बहस हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइट टू बी फॉरगोटेन यानी भूल जाने के अधिकार के इस्तेमाल की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता को राहत दी है दरअसल यह याचिकाकर्ता पहले नशीले पदार्थ यानी नारकोटिक्स केस से जुड़े एक मामले में बरी हो चुका था लिहाजा उसने उच्च न्यायालय के सामने प्रार्थना की थी कि गूगल और इंडियन कानून जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से उसके बरी होने का फ़ैसला हटा दिया जाए इस मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और भारतीय कानून नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गूगल या याहू आदि जैसे सर्च इंजनों का उपयोग करके इस जजमेंट को एक्सेस करने से रोकने का निर्देश दिया किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार की रक्षा करने और उसे जनता के सूचना के अधिकार के साथ संतुलित करने साथ ही न्यायिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी जानकारी को राइट टू बी फॉरगटन के मार्फत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का अदालत का ऐसा आदेश काफी अहम हो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद देश में राइट टू बी फॉरगॉटन पर बहस तेज हो गई है इसी चर्चा के बीच आइए बात करते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन की और समझते हैं इसके लीगल पहलुओं को साथ ही जानते हैं कि भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन की क्या स्थिति है सबसे पहले जान लेते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने का अधिकार क्या है आसान शब्दों में कहें तो भूल जाने का अधिकार खास तौर पर साइबर वर्ल्ड में अपने पर्सनल डेटा को इंटरनेट से हटाने से लेकर जुड़ा है यानी भूल जाने का अधिकार सर्च इंजन डेटाबेस, वेबसाइट्स, इंटरनेट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी जरूरी या प्रासंगिक नहीं रह जाती दरअसल इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन या डेटा डाला जाता है वो भले ही यूजर डिलीट कर दे लेकिन इंटरनेट कंपनियां उसे फिर से रिट्रीव कर सकती हैं, यानी फिर से हासिल कर सकती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो आपका पर्सनल डेटा है उसे बनाए रखने या पूरी तरह से खत्म करने का अधिकार क्या आपके पास नहीं होना चाहिए इसी तर्क के साथ वकालत की जाती है राइट टू बी फॉरगॉटन की यह मांग की जाती है कि सरकारों को इसे बाकी अधिकारों के जैसे ही एक अधिकार के तौर पर प्रदान किया जाना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल जानकारी को इंटरनेट से हटाने का अनुरोध करे तो उसे हटाने की कानूनी इजाज़त मिलनी चाहिए इसे ही कहते हैं भूल जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगोटन को शॉर्ट में आर भी कहा जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार से अलग है जहां निजता के अधिकार में ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सिर्फ अधिकार रखने वाले व्यक्ति तक ही सीमित हो सकती है जबकि भूल जाने के अधिकार में एक निश्चित समय पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी को हटाना और तीसरे पक्ष को जानकारी तक पहुँचने से रोकना भी शामिल होता है 2014 में एक फैसला आने के बाद दुनिया भर में भूल जाने के अधिकार पर चर्चा जोर पकड़ने लगी चलिए जानते हैं राइट टू बी फॉरगोटन से जुड़े इस बहुचर्चित मामले के बारे में जिसे गूगल स्पेन केस के नाम से जाना जाता है गूगल स्पेन मामले में सी जे ई यू कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन जिसे हम यूरोपीय संघ के न्यायालय के नाम से जानते हैं उसके 2014 के फैसले के बाद राइट टू बी फॉरगॉटन का प्रचलन हुआ गूगल स्पेन केस में सी ने एक स्पेनिश नागरिक के पक्ष में फैसला सुनाया जिसने गूगल से अपने बारे में समाचार पत्रों के लेखों के दो लिंक हटाने का अनुरोध किया था यह माना गया कि प्रोसेसिंग के उद्देश्यों के संबंध में अपर्याप्त अप्रासंगिक या अत्यधिक पाई जाने वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिटा दिया जाना चाहिए भले ही इसे कानूनी रूप से प्रकाशित किया गया हो यह फैसला आने के बाद दुनिया के कई देशों में राइट टू बी फॉरगॉटन को स्वीकार किया गया यूरोपीय संघ में राइट टू बी फॉरगोटन को जी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई अदालतों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है आपको बता दें कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया एक कानून है जो कि यूरोपीय संघ के नागरिकों के डेटा संरक्षण के लिए बनाया गया है इस रेगुलेशन के मुताबिक किसी भी कंपनी को किसी भी नागरिक की निजी जानकारी को ज्यादा समय तक स्टोर करने की इजाज़त नहीं होगी और कंपनी को अपने कस्टमर्स की जानकारी को हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा इस कानून को 2016 में बनाया गया और 2018 में लागू किया गया इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई नागरिक किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना डेटा हटवाना चाहता है तो वह इस बारे में कंपनी से निवेदन कर सकता है संबंधित कंपनी को इस निवेदन का उत्तर जल्द से जल्द देना होगा इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियों की जिम्मेदारी इस ओर बढ़ गई है कि वो अपने कस्टमर्स के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखें और इसे सही तरीके से उपयोग लाएं। इस संदर्भ में ज़रूरत पड़ने पर कंपनियों को ये साबित भी करना पड़ सकता है कि वो डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। जो कंपनियां यूरोपीय संघ के देशों में नहीं हैं लेकिन इस संघ में आने वाले देशों के नागरिकों की जानकारी रखती है वैसी कंपनी के लिए भी जी का पालन करना जरूरी है इस कानून को न मानने वाली कंपनियों को यूरोपीय संघ से बाहर कर दिए जाने का प्रावधान है और ऐसी कंपनी को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा यूरोपीय संघ में राइट टू बी फॉरगोटन को लेकर भले ही कड़े कानून हैं, लेकिन भारत में स्थिति काफी अलग है अब समझते हैं भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन की क्या स्थिति है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर हमारे देश में कानून नहीं है दरअसल भारत में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो खास तौर से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2011 में राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है लेकिन यह फिलहाल संसदीय समिति के पास है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 20 में राइट टू बी फॉरगॉटन को शामिल किया गया है जिसके मुताबिक किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत डेटा के निरंतर खुलासे या प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा इसके मुताबिक किसी व्यक्ति से संबंधित डेटा के खुलासे की जरूरत नहीं रह गई हो या डेटा के उपयोग करने की सहमति वापिस ले ली गई हो तब ऐसी स्थितियों में भूल जाने का अधिकार लागू होगा भूल जाने के इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को डेटा संरक्षण प्राधिकरण डी को लिखित अनुरोध करना होगा इन एडजुडिकेटर्स या एडजुटिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति डी द्वारा की जाएगी वहीं डी के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे डी का एक एडजुटिकेटिंग ऑफिसर यह तय करेगा कि डेटा प्रिंसिपल के राइट टू बी फॉरगॉटन के उपयोग से क्या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है सामान्य तौर पर न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों की व्याख्या की जाती है लेकिन यह अनिवार्य रूप से सरकारी एजेंसियों को न्याय निर्णयन शक्ति प्रदान करता है जो पृथककरण शक्तियों के सिद्धांत का प्रत्यक्ष उल्लंघन है इसलिए इस पर आपत्तियां भी उठाई जा रही हैं। हालांकि भारत में राइट टू बी फॉरगॉटन को विधायी मंजूरी नहीं मिली हुई है 2017 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है फैसले में कहा गया कि ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत सुरक्षित है कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के अपने पर्सनल डेटा पर नियंत्रण रखने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने का अधिकार भी इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने के उसके अधिकार को शामिल करेगा वर्तमान में कई उच्च न्यायालयों ने इस अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों में भूल जाने के अधिकार को साफ तौर से मान्यता दी है मसलन 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में राइट टू बी फॉरगोटन को मान्यता दी अदालती जजमेंट में कहा गया कि यह पश्चिमी देशों के चलन के अनुरूप होगा जहां महिलाओं से जुड़े सामान्य और अति संवेदनशील मामले जो संबंधित व्यक्ति की शालीनता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं में भूल जाने के अधिकार का पालन किया जाता है यहाँ भी बलात्कार या संबंधित व्यक्ति की मर्यादा और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले मामलों में राइट टू बी फॉरगोटन हो जाना चाहिए इसी तरह एक दूसरे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और गूगल से पूछा था कि क्या निजता के अधिकार में इंटरनेट से अप्रासंगिक सूचनाओं को हटाने का अधिकार शामिल है इसी तरह नवंबर 2020 में शुभ्रांशु राउत एट द रेट गूगल बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने राइट टू तो बी फॉरगोटन की वकालत की कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार की वैधानिक मान्यता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है अदालत ने कहा कि अगर इस तरह के मामलों में भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती है तो कोई भी आरोपी महिला के शील को गलत तरीके से भंग करेगा और साइबर स्पेस में उसका दुरुपयोग करेगा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में इस तरह के अपराध के लिए तो सजा निर्धारित है लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर से आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए पीड़ित के अधिकार के संबंध में कोई सिस्टम नहीं है पीड़ित व्यक्ति फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर से उन तस्वीरों को हमेशा के लिए डिलीट नहीं कर सकता है जबकि बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के असंवेदनशील व्यवहार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है हालांकि कानून ऐसे अपराधों के लिए अभियुक्तों के लिए सजा देने का अधिकार देता है लेकिन पीड़िता के अधिकारों को भी देखना होगा खास तौर से उसकी निजता के अधिकार को जो कि आपत्तिजनक तस्वीरों या कंटेंट को हटाए जाने के अधिकार से जुड़ता हुआ है इसलिए हमें राइट टू बी फॉर्गटन को अपनाने और बनाए रखने के तरफ कदम उठाए जाने की जरूरत है हालांकि भारत में भूल जाने के अधिकार को लागू करना इतना आसान नहीं होगा ऐसे में सवाल है कि भारत में भूल जाने के अधिकार से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं भारत में राइट टू बी फॉर्गटन को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस दिशा में बड़ी चुनौती कानूनी पहलू से जुड़ी हुई है दरअसल भूल जाने के अधिकार पर सार्वजनिक रिकॉर्ड से जुड़े मामलों के बीच विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है जैसे कि भारत में अदालती फैसलों को हमेशा सार्वजनिक रिकॉर्ड के रूप में माना गया है और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम अठारह की धारा चौहत्तर के मुताबिक सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा के तहत आते हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राइट टू बी फॉर को आधिकारिक सार्वजनिक रिकॉर्ड विशेष रूप से न्यायिक रिकॉर्ड तक विस्तारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे लंबे समय में न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर होगा इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन टूथपेस्ट की तरह होती है जिस तरह एक बार टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाने पर उसे ट्यूब में वापस नहीं लाया जा सकता उसी तरह एक बार कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में जाने के बाद डिजिटल युग में इसके मिटने की संभावना बेहद कम हो जाती है फिर राइट टू बी फॉरगटन व्यक्ति बनाम समाज का भी मसला है क्योंकि भूलने का अधिकार व्यक्तियों की निजता के अधिकार और समाज के सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच एक दुविधा पैदा करता है एक तरफ व्यक्तियों के प्राइवेसी के अधिकार का मसला है तो दूसरी तरफ लोगों का सूचना जानने का अधिकार ऐसे में अदालती फैसलों को हटा लेंगे तो लोग सूचनाओं को जान नहीं सकेंगे कानून के जानकारों का भी कहना है कि राइट टू बी फॉरगटन का धड़ल्ले से इस्तेमाल सूचना प्राप्त करने के अधिकारों के अधिकार का हनन कर सकता है फिर यह भी एक सच्चाई है कि भूल जाने के अधिकार का कार्यान्वयन व्यवहारिकता और तकनीकी बारीकियों के मामले में सामंजस्य बिठाना एक मुश्किल टास्क है ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह वर्तमान में भारत में कोई भी कानून नहीं है जो स्थायी रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर से हटाई गई फोटो को भूल जाने या प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है ऐसे में देश में भूल जाने के अधिकार की कानूनी संभावनाएं व्यापक बहस की मांग करती हैं। यह देखते हुए कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है भूलने के अधिकार पर व्यापक बहस की जरूरत है ताकि भारतीय संविधान से मिलने वाले दो मौलिक अधिकारों के बीच कसी को कम किया जा सके इस कड़ी में राइट टू बी फॉरगोटन को लागू किए जाने से पहले कुछ सुधारों की जरूरत है मसलन भूल जाने के अधिकार को लागू करने के लिए संविधान में एक बड़े संशोधन द्वारा अनुच्छेद उन्नीस दो के तहत गोपनीयता को उचित प्रतिबंध के आधार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए इसी तरह गोपनीयता और सूचना के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की दरकार है जिसकी मदद से कुछ मामलों में भूल जाने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है जैसे कि अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करने में कानूनी दायित्वों के अनुपालन में सार्वजनिक हित या सार्वजनिक स्वास्थ्य में किए गए कार्य के प्रदर्शन में जनहित के लिए वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्य या सांख्यिकीय उद्देश्य कानूनी दावों की स्थापना और अभ्यास या बचाव से जुड़े मामलों में अगर देश में राइट टू बी फॉरगॉटन लागू हो जाता है तो इससे काफी हद तक पीड़ितों को राहत मिल सकेगी आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल सवाल है भारत में भूल जाने के अधिकार के विकास के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त दो मौलिक अधिकारों निजता का अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है विवेचना कीजिए